तो जीएसएम कम होते होते आज हमारी शीट का साइज़ भी कम हो चुका है। ये आपके सामने एक छोटी सी स्केच बुक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी साइज़ में भी, तो मैंने इसे ऐसे परचेज़ कर ली थी। तो चलिए मैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स दे दूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने 300 से 125 जीएसएम शीट्स के बारे में आप लोगों को बताया, आज जो हमारे साथ ये स्केच बुक है ये है 110 जीएसएम की, एंड इसका साइज़ जो है वो है 8.2 x 13.3 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस में बात करें तो 3.25 x 5.25 इंचेस। एंड इसकी जो डिटेल्स हैं वो है बफ कलर पेपर विद लाइट टूथ, 24 शीट्स, 48 पेजेस। शीट्स के अगर टर्म्स में बात करें तो अगर आप ये पूरा कंसिडर करते हैं तो ये 24 शीट मिलेंगे आपको इसके अंदर, और अगर आप इसको ऐसे सिंगल कंसिडर करते हैं तो ये 48 पेजेस मिलेंगे आपको। एंड 100% कॉटन, एसिड फ्री, बफर, ठीक है। अब इसके प्राइस डिटेल्स पे आ जाते हैं, तो प्राइस डिटेल्स हैं इसकी 40 रुपये। तो आपको ये 40 रुपये की एक ये स्केच बुक मिलेगी छोटी सी, काफ़ी हैंडी है। एंड ये तो मैंने शेड्स ट्राई किए थे। जो पहला स्केच है वो है ये मैंने चारकोल से ही बनाया था, और थोड़ा बहुत इसमें कार्बन यूज़ किया था, हाईलाइट्स ये थे मोनोज़ीरो से। एंड दूसरा स्केच ये बनाया था मैंने। तो ओवरऑल पेपर क्योंकि 110 जीएसएम है तो काफ़ी ज़्यादा हल्का है, तो अगर आप जब काफ़ी इसको प्रेशर के साथ इरेज करना चाहेंगे, हाईलाइट देना चाहेंगे, तो पेपर के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड वैसे तो ये मैंने ट्राई किया था। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊं, तो ये मैंने चारकोल कैमलिन की जो चारकोल स्टिक है वो ट्राई करी थी। पेपर टेक्सचर्ड है, एंड टेक्सचर से मुराद ये है कि आपको मतलब जो इस पर चारकोल वगैरह यूज़ करेंगे तो आपको इसमें टेक्सचर आराम से निकल जाएगा, बट क्योंकि हल्का है तो फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हाईलाइट से देते वक्त, या ज़्यादा प्रेशर से अगर आप चारकोल यूज़ करते हैं तो भी फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे इसके। तो ब्लेंड भी आराम से हो रहा है इसके ऊपर, और ये 100% कॉटन है जैसे कि मेंशन है इसके ऊपर, तो काफ़ी मतलब ब्लेंडिंग ईजी है इसके ऊपर। बस ये है कि आपको जो चारकोल है उसका इस्तेमाल थोड़ा सा मतलब हल्का करना है क्योंकि पेपर फट सकता है। ये हैंडी बहुत है अगर आप कहीं आ रहे हैं मतलब ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ, अगर प्रैक्टिस के लिए या फिर लाइव स्केच परफॉर्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। तो मैंने अलग अलग ग्रेड्स चारकोल के ट्राई किए थे इसके ऊपर, तो तकरीबन पूरे में ही ये ब्लेंड होने के बाद फैल गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सही है, बस जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल फेरी है मतलब इरेज करने के लिए, तो यहाँ से पेपर फटना शुरू हो गया है, ये जो है ये पेपर फटना शुरू हो गया है। तो आपको चारकोल का इस्तेमाल जो है बहुत आराम से इसके ऊपर करना होगा, ज़्यादा प्रेशर के साथ ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा तेज़ अगर आप चारकोल यूज़ करते हैं या फिर आप इसके ऊपर, ये मैं हाईलाइट दे रहा हूँ इससे कोहिनूर की इरेजर से, तो जहाँ जहाँ मैंने प्रेशर अप्लाई किया था और मतलब डार्क वैल्यूज ऑप्ट करनी थी, वहाँ वहाँ इरेज करने पे जो है हाईलाइट्स देने पे पेपर फट रहा है, वेरस ये मैंने लाइट वैल्यूज ऑफ करनी थी तो यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पे हाईलाइट्स भी निकला है। अब जैसे ये भी बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है, अगर मैं इसको इरेज करना चाहूँ तो पहली बात तो ये कि हाईलाइट्स बहुत मुश्किल से आएंगे, और थोड़ा सा भी प्रेशर इस्तेमाल करने पे पेपर फटना शुरू हो जाएगा। तो 40 रुपये में बेसिकली आपको एक 48 पन्नों की एक ये स्केच बुक मिलेगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत सही है, आप इसको कहीं पे भी पॉकेट में ले आ अपने साथ ले आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइव स्केचेस बना सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए सही है। तो आज के रिव्यू में बस इतना ही, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।